हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन दोस्त। माई सेल्फ गिरिराज किशोर लखा, क्लास टेंथ में आप सभी का स्वागत है बच्चों। क्लास टेंथ में चैप्टर नंबर 3 आरबीएससी के अकॉर्डिंग जेनेटिक्स, और अगर सीबीएसई के बच्चों की बातचीत करते हैं तो चैप्टर आप लोगों का बच्चों 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये सीबीएसई के बच्चों के लिए है। कॉमन टॉपिक है बच्चों मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों कौन कहता है कि दोस्त आसमान में सुराग नहीं हो सकता है? कौन कहता है कि दोस्त आसमान में सुराग नहीं हो सकता है? बस एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। आप लोगों ने चरितार्थ किया, मैंने बोला आप लोगों को कि बच्चों आप लोग बुक से कुछ इसकी डेफिनेशन सीखने का प्रयास करें, और आप लोगों ने बहुत अप्रतिम प्रयास किया। मुझे मैसेज लगातार मिल रहे हैं आप लोगों के, इसमें आप लोगों ने बताया कि आप लोगों ने क्या सीख लिया है। आप लोगों ने होमोजाइगस, हेटरोजाइगस, जीन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस के बेसिक चीजें, सारी की चीजें क्लियर कर दी है। आप लोगों ने मेंडल से रिलेटेड हिस्ट्रीज पूरी सीख ली है, मेंडल ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया और फादर ऑफ द जेनेटिक्स उनको क्यों कहा जाता है, और रीडिस्कवरर ऑफ द जेनेटिक्स कौन है, उन सब के बारे में आप लोगों को बहुत बढ़िया जानकारी है। उसके लिए मेरी तरफ से साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलो एक क्वेश्चन बनता है इस दौरान, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं तो मुझे बताए बच्चों मेंडल ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सलेंट, सभी बच्चों का सही जवाब गार्डन पी पर। और गार्डन पी का बोटेनिकल नेम क्या है बच्चों? शाबाश, पाइसम सेटाइवा, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। तो बच्चों आज अपन थोड़ा सा दो टॉपिक चर्चा करेंगे अपन, मेंडल्स लॉ से रिलेटेड, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किसको कहते हैं ये भी चीजें क्लियर कर देते हैं। इनहेरिटेंस वैसे आप लोग जानते हैं, डेफिनेशन भी देख चुके हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स का चला जाना। जैसे आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में अपने मम्मा से और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में अपने पापा से मैच कर रहे हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में दादा से और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में आप नानी से भी मैच कर रहे हैं। ये बच्चों इनहेरिटेंस है, जो कि अपन अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो पीढ़ी टू पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो जाते हैं बच्चों, उसको ही हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और इन सब चीजों के बारे में, जीन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में जो चीजें बताई, वो था हमारा मेंडल। इस वजह से इसको द फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो आप लोगों को सबको ये जानकारी मालूम है, बहुत अच्छे। अब बच्चों आज अपन पढ़ने वाले हैं मेंडल्स लॉ से इनहेरिटेंस के लॉ देखने वाले हैं। तो बच्चों मेंडल ने टोटल 3 लॉ बताए थे बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन, इसका दूसरा नाम आपके पास में लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज बच्चों अपन 2 की ही चर्चा कर पाएंगे, तीसरा यहां नहीं हो पाएगा, अगले वाले वीडियो के अंदर अपन तीसरे की भी चर्चा कर पाएंगे। इसे चेकरबोर्ड मेथड से करेंगे, जिसका फिनोटाइप जीनोटाइप थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आप लोग जानते हैं उसके बारे में। 9:3:3:1 ये आप लोगों का फिनोटाइप आने वाला है, और जीनोटाइप 1:2:2:4:1:2:1:2:1 ये आप लोगों के पास में आने वाला है। तो आप लोग, मुझे मालूम है आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज अपन बच्चे पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रेशन। लॉ ऑफ सेग्रेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। आप लोगों को और जानकारी दूं मैं, एकमात्र सेकंड वाला लॉ यानी लॉ ऑफ सेग्रेशन ऐसा लॉ है जिस पर कहीं पर भी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। क्या नहीं है? एक्सेप्शन नहीं है। खैर उनकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे, जहां पर टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस की भी चर्चा करने वाले हैं बच्चों अपन, ठीक है बच्चों। तो पहला पढ़ने वाले हैं अपन लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या पढ़ने वाला है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस के वैसे शब्द का अर्थ क्या होता है? इफेक्टिवनेस, प्रभाविकता, यानी कि जो प्रभावी होगा, जो इफेक्टिव होगा वो आगे चला जाएगा, और जो इफेक्टिव नहीं होगा वो पीछे रह जाएगा। ये अपना एनवायरमेंट में भी है बच्चों, आप और मैं इस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, आप लोगों का मेरा इम्यूनिटी पावर थोड़ा बहुत ठीक है, इस वजह से हम आज सही है, और जिन लोगों का इम्यूनिटी पावर कमजोर चल रहा है वो बहुत जल्द इसकी चपेट में आ रहे हैं और आने वाले हैं।
ये इम्यूनिटी पावर से रिलेटेड आप लोगों का लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि जो प्रभावी होता है वह कैरेक्टरिस्टिक्स आगे चला जाता है, और जो अप्रभावी होता है यानी कि नॉन इफेक्टिव होता है यानी कि रेसेसिव होता है वह पीछे ही रह जाता है। तो बच्चों याद देखते हैं अपन लॉ ऑफ डोमिनेंस से रिलेटेड। लॉ ऑफ डोमिनेंस व्हेन आर टू होमोजाइगस इंडिविजुअल, यहाँ पर कुछ एक शब्द है पर्टिकुलर जो आप लोगों को क्लियर है, मैं फिर भी उनको भी क्लियर करता रहूंगा साथ साथ। होमोजाइगस, व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, व्हेन वन और मोर सेट, एक या इससे भी ज्यादा सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड, द कैरेक्टर्स दैट अपीयर, वो अपीयर होगा इन द F1 जनरेशन हाइब्रिड आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स। शायद कुछ बच्चों का पल्ले ही नहीं पड़ा, समझ में नहीं आएगा क्या क्या बोल गया मैं, तो चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं अपनी लैंग्वेज में। देखते हैं बच्चों कि जब हमारे पास में दो होमोजाइगस इंडिविजुअल है, बच्चों कौन है, दो होमोजाइगस इंडिविजुअल है और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, कैसे कैसे है, आपके पास में दो होमोजाइगस इंडिविजुअल है जो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में है, जिन आपस में हाइब्रिड क्रॉस करवा दिया जाता है आपके पास में, तो F1 जनरेशन के अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक्स आगे जाते हैं जो कि डोमिनेंट होते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, दो होमोजाइगस इंडिविजुअल जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रख रहे हैं वह आपस में जब क्रॉस कर रहे हैं तो F1 जनरेशन में यानी कि नई जनरेशन में केवल वह जा पाएगा जो कि डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाला होगा। कौन सा वाला होगा, डोमिनेंट वाला होगा। कैसे होगा, जिसका नए डायग्राम देखने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं बच्चों अपन, टॉलनेस, क्या ले रहे हैं, टॉलनेस। वैसे आप लोग पढ़ चुके हैं 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के यानी कि पेयरिंग के अंदर आप लोग देख चुके हैं 7 कॉन्ट्रास्टिंग, जिनके क्या नाम है, सबके दो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के दो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी देख चुके हैं आप लोग, तो आप लोगों के चैप्टर नंबर 3 के 2nd वाले पेज के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। तो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ही अगली जनरेशन में जाएंगे कैसे, और दो होमोजाइगस और उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे क्रॉस करने वाले हैं वो देखते हैं अपन। चलो बच्चों पेरेंट्स आपके पास में सबसे पहले देख लेते हैं, पेरेंट्स दो होमोजाइगस है और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हैं, तो टॉलनेस मैंने बोला आप लोगों को, कैरेक्टरिस्टिक्स चुना अपन ने टॉलनेस, उस टॉलनेस के अंदर आपके पास में कैपिटल टी और स्मॉल टी दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, मैं और अच्छे से लिख देता हूँ इसको, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिए बच्चों अपन ने, ये तो है टॉल और ये है ड्वार्फ, यानी कि ये है लंबा पौधा और ये है बोना पौधा छोटा वाला, ठीक है। तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स थी है ना हाइट वाला, उस हाइट के दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स चुने हैं अपन ने, एक टॉलनेस चुना एक ड्वार्फ चुना, ये पेरेंट्स है उनके बीच में आपस में क्रॉस करवा रहे हैं, तो क्रॉस करवाओ इसका इसके साथ में हो गया बच्चों क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, फर्स्ट वाले का सेकंड वाले के सेकंड के साथ में करवाया अपन ने कैपिटल टी स्मॉल टी, फर्स्ट वाले के सेकंड का सेकंड वाले के फर्स्ट वाले के साथ में करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी, और फर्स्ट वाले के सेकंड का सेकंड वाले के सेकंड के साथ करवा रहे हैं तो वो एक बार फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी। ये F1 जनरेशन आई है बच्चों, क्या आई अपने पास में, F1 जनरेशन, यानी कि अपन ने देखा क्या कि F1 जनरेशन के अंदर 100% जो आपके पास में जो प्लांट पौधे हैं वह कैपिटल टी स्मॉल टी आए हैं, यानी कि तो हेटरोजाइगस आ गया है, लेकिन इसको देखने से दूर से देखने पर अपने को ये टोल ही दिखाई देगा। कैसे, जैसे माना आपके पास में एक तो इस पौधे का बीज है बच्चों सीधा आपके पास में, अरे इस वाले का है आपके पास में छोटे वाले का, तो ये है आपके पास में टॉलेस और ये आपके पास में डार्फ, इन दोनों का जब क्रॉस करवाया बच्चों तो हमारे पास में पूरे खेत के अंदर कुछ इस तरीके के पौधे दिखाई देंगे, तो क्या दूर से दिखाई देने पर क्या हम इसको स्मॉल या डार्फ बता सकते हैं, ना इसको नहीं बता सकते हैं, इसको क्या कहेंगे अपन, टोल कहेंगे, भले ही ये प्योर टोल नहीं है लेकिन ये डार्फ भी तो नहीं, प्योर टोल नहीं है बच्चों ये वाला, ये प्योर टोल था तो ये प्योर टोल नहीं है लेकिन डार्फ भी नहीं कह सकते, यानी कि इसको बोना भी नहीं कह सकते हैं, तो ये कैसा है, ये हाइब्रिड डोमिनेंट है, हाइब्रिड वाला है, यानी कि लंबा तो है लेकिन हाइब्रिड पर है, यानी हेटरोजाइगस है ये, और डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें अगले वाले जनरेशन में कौन सा आया, टॉलनेस, इस वजह से हम कह पा रहे हैं, इस वजह से इस वाले लोग के अंदर क्लियर हुआ कि तब जब एक कैरेक्टरिस्टिक्स के दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में जब आपस में क्रॉस करवाते हैं तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स अगली जनरेशन में जाती है जो कि डोमिनेंट होती है, और इसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंट कहते हैं। पोजीशन क्लियर,
एवरीबडी इज क्लियर ऑन देयर, वेरी गुड, बहुत अच्छे 100% यानी कि एफ वन जनरेशन के अंदर 100% कैपिटल टी स्मॉल टी यानी डोमिनेंट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आया भले ही वह प्योर नहीं। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट वन लॉ ऑफ डोमिनेंट क्लियर किया बच्चों अपन ने। अब लॉ ऑफ सेग्रेशन है, सेग्रेशन का अर्थ क्या होता है, सेग्रेशन यानी सेपरेट अलग अलग हो जाए, कैसे कैसे अलग अलग होगा, यानी कि कहने का अगर अगर बिल्कुल क्लियरली अगर अपन ओपनली बता रहे हैं, अगर इसको अगर अपने लैंग्वेज के अंदर ये चार पांच लाइनें हैं उसको अपने लैंग्वेज के अंदर बताएं तो क्या होगा कि यहाँ पर कि वह कैरेक्टरिस्टिक्स भी अगली जनरेशन में आ जाता है जो कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर शो नहीं हो पाया था, वह कैरेक्टरिस्टिक्स भी अगली जनरेशन में आ जाता है जो कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर शो नहीं हो पाया था। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन शो नहीं हो पाया था, वेरी गुड, बहुत अच्छे, डार्कनेस यानी कि छोटा वाला यानी स्मॉल टी वाला कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप को शो ही नहीं कर पा रहा है। सारे पौधे कैसे थे, लंबे थे, तो ये नहीं आ पा रहा है तो क्या इसमें आ जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सेग्रेशन वाले आ जाएगा, इसी वजह से इसका नाम क्या है, सेग्रेशन है, और इसी का नाम प्योरिटी वाला भी है, यानी कि इसके अंदर प्रत्येक जीन अलग अलग होकर के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा, यानी कि लंबा वाला भी अपने आप को शो करेगा और बोना वाला भी करेगा, यानी कि टॉलनेस वाला भी करेगा, डार्कनेस वाला भी करेगा। कैसे का इसका डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फ्रॉम हाइब्रिड ऑफ एफ वन जनरेशन, रिपीट, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फ्रॉम हाइब्रिड ऑफ एफ वन जनरेशन बोथ एलील सेग्रेट, सेग्रेट मतलब अलग अलग हो जाएंगे टू ईच अदर एक दूसरे से, सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रेशन। रिपीट, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन गैमेट बनाने के लिए, गैमेट बनाने के दौरान ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फ्रॉम हाइब्रिड जो उनका हाइब्रिड आया एफ वन जनरेशन के अंदर बोथ एलील सेग्रेट यानी कि अलग अलग हो जाएंगे, सेग्रेट हो जाएंगे टू ईच अदर एक दूसरे से, और यही क्योंकि अलग अलग हो जाएंगे इस वजह से इसको क्या कहेंगे बच्चों, लॉ ऑफ सेग्रेशन। अब इसको अपने लैंग्वेज में क्लियर करते हैं कि एफ वन जनरेशन में जो अपने पास में रिजल्ट आया उसके जीन आपस में अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि कैपिटल टी अलग हो जाएगा और स्मॉल टी अगली वाली जनरेशन में अलग अलग हो जाएगा, एंड ईच गैमेट कैरीज वन एलील ऑफ ईच कैरेक्टर, यानी कि जो प्रत्येक है वह अपने आप के कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग शो करेगा, इस वजह से इसको क्या कहेंगे, प्योरिटी ऑफ गैमेट, चूंकि प्रत्येक जीन एलील अपने आप को अलग अलग शो करता है इस वजह से इसको क्या कहेंगे अपन, प्योरिटी ऑफ गैमेट। इसका रे डायग्राम देख लेते हैं बच्चों, यहाँ तक अपने पास में पोजिशन क्लियर चल रही है, पेरेंट्स ले लिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स के, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिए थे, उसके बाद में एफ वन जनरेशन के में अपने पास में डोमिनेंट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हुआ भले ही वह हेटरोजाइगस आया। अब उसके बाद में इसका सेल्फ क्रॉस करवाने वाले हैं, क्या करवाने वाले हैं, सेल्फ क्रॉस करवाने वाले हैं, तो सेल्फ क्रॉस ऑफ द एफ वन जनरेशन देन द एंड प्रोडक्ट्स आर द एवरी वन कैरेक्टरिस्टिक्स आर द इंडिविजुअल ऑन देयर। नाउ प्रोसीड, तो एफ वन जनरेशन जो आपके पास में ये थे, आपके पास में एफ वन जनरेशन के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी ये था, इसका सेल्फ क्रॉस करवाने वाले बच्चों अपन सेल्फ क्रॉस करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये बच्चों आपके पास में एफ वन जनरेशन थी, यहाँ तक पोजीशन क्लियर, ये एफ वन जनरेशन इसका सेल्फ क्रॉस करवाने वाले, सेल्फ क्रॉस का मतलब होता है वहां पर दूसरा वाला भी, यानी कि इसको मेल मान लेते हैं फीमेल है तो दोनों एक जैसे हो गए, उसके बाद में दोनों का क्रॉस करवाना है बच्चों, ये आ गया कैपिटल टी, कैपिटल टी इसको इसके साथ में करवाने, देखे जाए ध्यान से देखे पहले नजर नहीं चुके, कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला कंप्लीट हो गया है, सेकंड वाला है, सेकंड वाले का फर्स्ट वाले के साथ में हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कोई सोच सकता है स्मॉल टी पहले आ सकता था लेकिन हम जानते हैं क्या, डोमिनेंट वाला पहले लिखा जाता है तो कैपिटल टी को पहले कर दिया, स्मॉल टी के साथ में जा रहा है बच्चों, तो ये हो गया आपके पास में स्मॉल टी, एवरीबडी क्लियर ऑन देयर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अपन ने देखा कैपिटल टी जब कैपिटल टी के साथ में जा रहा है तो कैपिटल टी इसके साथ में गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया है, स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ में गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में गया, ओ सॉरी स्मॉल टी के साथ में गया तो स्मॉल टी हो गया। अपन ने कुछ देखा कि एफ वन एफ टू जनरेशन के अंदर कुछ चीज अलग आई है अपने हमारे पास, क्या चीज अलग आई है हमारे पास में, रिजल्ट कुछ अलग हो गया है, तो इसका रिजल्ट को दो तरीके से बता सकते हैं, एक फिनोटाइप और एक जीनोटाइप, क्या फिनोटाइप और जीनोटाइप, ये क्या चीज होती है, फिनोटाइप होती है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स और जीनोटाइप होती है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो बाहर से देखने पर ही दिखाई दे जाए वो आपके पास में, और जीनोटाइप जो इंटरनली क्रोमोसोम्स और जीन के ऊपर आधारित होती है चीज, वह कैसे, यहां देखें आप कैपिटल टी लंबा, यहां देखें मैं आपको रे डायग्राम से बताऊं,
ये वाला लंबा कैपिटल टी कैपिटल टी, उसके बाद में स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी कि दो पौधे मिले आपको कुछ इस तरीके के और एक पौधा मिला आपके पास में ऐसा। अब किसी खेत में गए साहब आप, और खेत में आप लोगों को इस ये वाले पौधे और ये वाले पौधे इन दोनों को देख करके मुझे नहीं लगता कोई भी आप में से इसको बोना पौधा यानी कि ड्वार्फ पौधे बताएगा, प्लांट ड्वार्फ वाले नहीं बता ही नहीं सकते आप। हाँ आप इसको जरूर बता सकते हैं कि ये छोटा है, यानी कि मैं क्या बता सकता हूँ कि चार पौधों में से तीन पौधे लंबे हैं। Am I right? Very good. तो यही फिनोटाइप है, 3:1 is a phenotype on there in the law of segregation. तो ये हो गया आपके पास में फिनोटाइप बच्चों। थ्री रेशो वन बोले तो तीन पौधे लंबे हैं और एक पौधा आपके पास में बोना यानी छोटा है। और जब इसका डीपली जब इसकी स्टडी करते हैं तो डीपली स्टडी करने पर क्या मालूम पड़ा अपने पास में कि एक तो है प्योर यानी कैपिटल टी, दो है आपके पास में इम्प्योर टोल यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक पौधा कंप्लीट जो कि छोटा सा ही है आपके पास में, वह है जीनोटाइप आपके पास में। तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में 1:2:1 कैसे हुआ एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक पौधा कंप्लीट लंबा है तो हो गया कैपिटल टी, दो पौधे आपके पास में कैसे हैं लंबे तो हैं लेकिन कैसे हैं हाइब्रिड वाले हैं यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक पौधा कैसा है आपके पास में एक प्लांट कैसा आपके पास में स्मॉल टी वाला है। तो अपन क्या हो गया जीनोटाइप के अंदर 1:2:1 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, एग्जाम के संदर्भ में अगर देखें इस चीज को तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनोटाइप जीनोटाइप हाफ हाफ मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो याद नहीं हो रहा हो वैसे तो समझा दिया गया है, फिर भी नहीं याद रहा हो तो रट लेना फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप 1:2:1। तो ठीक है बच्चों आज अपन ने जो सीखा है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस रिलेटेड, तीन लोगों को अपन ने ओरली देखा है लेकिन दो को अपने बहुत अच्छे से देख लिया है। लॉ ऑफ डोमिनेंट जिसके अंदर अपन ने देखा कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स के दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जब आपस में क्रॉस करते हैं तो उस दौरान अगली जनरेशन में वही कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं जो कि डोमिनेंट होते हैं। दूसरे वाले में अपन ने देखा कि जब F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो सेल्फ क्रॉस करवाने के बाद में वे कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो हो जाते हैं जो फर्स्ट वाले जनरेशन के अंदर शो नहीं हो पाए थे। फर्स्ट जनरेशन के अंदर स्मॉल टी अपने आप को शो नहीं कर पाता है लेकिन सेकंड वाले जनरेशन में आप देख सकते हैं स्मॉल टी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वह दिख जाता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो ठीक है बच्चों आज का वीडियो इतना ही था, अगर आपको पसंद आता है तो शेयर भी करें और लाइक भी करें। आपका अपना दोस्त गिरिराज किशोर लड्डा।